I must have born with certain purpose, which I should know. So, what purpose is? If it is predestined, if it is not, then I have to work hard. Yeah, no, there is a purpose. तो वो हाईएस्ट हमारा गोल क्या है? अगर सिंपल वे में बोला जाए, दैट इज टू नो आवरसेल्फ्स, क्योंकि वहीं से आप आजाद हो सकते हो. देयर इज नो अदर वे. दूसरा क्वेश्चन, जो भी कुछ हम कर रहे हैं वो सब टेम्पररी है और सब डिस्ट्रॉय हो जाता है कुछ टाइम बाद में, तो फिर सवाल ये उठता है कि हम कर क्यों रहे हैं? व्हाट इज द पॉइंट एंड हाउ कैन वी एंजॉय सच थिंग्स? देखो, चीजों का टेम्पररी होना प्रॉब्लम नहीं है, प्लेजर का टेम्पररी होना प्रॉब्लम नहीं है, आम का मीठा होना प्रॉब्लम नहीं है, उस मीठेपन से अटैच हो जाना प्रॉब्लम है. ये उम्मीद करना कि वो मीठापन बना ही रहे 24 घंटे के लिए, ये प्रॉब्लम है. आम आया और गया तब कोई प्रॉब्लम नहीं है. नीम आया और गया, कड़वा था, अच्छा टाइम आया, बुरा टाइम आया गया, दैट इज नॉट अ प्रॉब्लम. सिंपल. तो अब इस सबका जो सोल्यूशन है वो अभी आने वाला है एक पेज के अंदर, जो मैं ये पेजेस आपको दूंगा, इसके अंदर इन सारे क्वेश्चंस का जवाब है. मतलब आज मैं जो भी कुछ बोला है या जो भी कुछ बोलने वाला हूँ वो सब इसके अंदर है, इसके बाहर कुछ भी नहीं है. अभी एग्जैक्टली क्या है इस पे आते हैं. एक बार मैं इमीडिएटली क्वेश्चंस पहले ख़त्म कर देता हूँ. नितांश रस्तोगी, यू आर टॉकिंग अबाउट कि जब भी हम कभी किसी को देखते हैं तो इफ़ यू आर अ मेल तो आपका ध्यान चला जाता है फीमेल की तरफ, कोई फीमेल है तो उसका ध्यान चला जाता है मेल की तरफ, बिहेवियर चेंज हो जाता है, सब कुछ चेंज हो जाता है. तो सवाल ये उठता है कि हम एक फीमेल को देखते क्यों हैं? क्या ये नेचुरल है या ये हमारी कंडीशनिंग है? फॉर एग्जाम्पल, आपको यहाँ पर टच किया किसी ने, टच तो टच है, टच में ना सुख है ना दुख है. यही टच अगर अभी आपको किसी छिपकली ने किया तो क्या होगा? ये क्या हो गया है? गंदा है. टच तो टच है, ना छिपकली गंदी है ना उसका टच गंदा है, ना आपका माइंड गंदा है. माइंड में उसका टच गंदा है, इस वजह से वो टच गंदा है. आप सो रहे हो, आपके ऊपर 10 छिपकलियां निकल गई, आपको पता नहीं लग रहा, कोई टच गंदा नहीं है. यही आपको टच किया आपके फेवरेट एक्टर ने, या फिर आपकी जो फेवरेट एक्ट्रेस है, कौन है? कौन है आपकी फेवरेट है? दीपिका पादुकोण. तो यही आपको टच किया. आप इमेजिन करो, आपको दीपिका पादुकोण ने टच किया तो फुदकते हुए नजर आओगे, फड़फड़ा जाओगे एकदम कि ये क्या हो गया. अरे टच तो टच है, समझ रहे हो? तो क्या हो रहा है? आपकी कंडीशनिंग हो गई है. कंडीशनिंग किसने करी? इस पूरी सोसाइटी ने करी, पूरी दुनिया ने करी. इस कंडीशनिंग को कौन तोड़ेगा? सोसाइटी तोड़ेगी? जिसने खुद ये कंडीशनिंग करी है कभी नहीं तोड़ेगी. आपको खुद तोड़नी पड़ेगी, इस सच को जानना पड़ेगा, देखना होगा उस पूरे के पूरे मूवमेंट को. दैट इज रियल मेडिटेशन. जिस वक्त आपके ऊपर डिजायर हावी हो रहा है उस वक्त देखोगे वो डिजायर कैसे उठता है, कहाँ जाता है. जब आपको कुछ दिखता है, दिखने में कुछ अच्छा बुरा नहीं है, दिखने से रिलेटेड जो आपने कहानी अपने माइंड में बनाई हुई है उसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, परेशान हो रहे हो. जो चीज़ें हमें अच्छी लगती है ज़रूरी नहीं वो अच्छी हैं, जो हमें बुरी लगती है ज़रूरी नहीं वो बुरी हैं. हमारे लिए सबसे बुरी चीज़ क्या है? पॉटी. पॉटी करते हो सुबह सुबह सब लोग? हाँ, उसकी खुशबू को याद करो, उसकी फॉर्म को याद करो. आप काफ़ी खुश लग रहे हो. तो जिस चीज़ से हमको इतनी नफरत है, एक ऐसा जानवर भी है जिसके लिए वो उसका फेवरेट खाना है, सुअर, पिग. सोचो अगर आपको इस बॉडी में से निकाल करके सुअर की बॉडी में डाल दिया जाए तो क्या होगा? वही बॉडी आपको अच्छी लगने लग जाएगी. तो अच्छी और बुरी चीज़ें बदल रही हैं डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशनिंग, कंडीशनिंग ऑफ योर बॉडी, कंडीशनिंग ऑफ योर माइंड. उसके अकॉर्डिंग सब कुछ बदलता चला जा रहा है. इस बदलती हुई दुनिया में कुछ ऐसा है जो नहीं बदल रहा है, वो आप. जब हम प्लेजर की स्टेट में हैं तो हम कहते हैं कि अच्छा हो रहा है, हमने अच्छा किया, गॉड ने हमारे साथ अच्छा किया. जब हम पेन की स्टेट में, कई बार हमारे बिलीव्स ऐसे हो जाते हैं कि मेरे साथ ही क्यों हो रहा है. हाँ. तो इन चीज, ये जो सर्कल है इससे अलग कैसे हो रहा है? इस बात को समझो कि जब हमारा टाइम अच्छा होता है, हाँ, तब तो हम मस्त हो जाते हैं, और जब टाइम बुरा होता है तब हम बिल्कुल ही ऐसे हो जाते हैं, उदास और दुखी और ये वो, पता नहीं क्या हो रहा है मेरे साथ में, ऐसा क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है. और जब कुछ अच्छा हो रहा होता है तब हम नहीं बोलते कि मेरे साथ में इतना अच्छा क्यों हो रहा है. कोई नहीं बोलता. सोचा है कभी कि जो आपको ज़िंदगी में सुख मिले हैं
उसके बारे में कोई बोलता है कि मुझे इतने सुख क्यों मिले हैं जिंदगी, मैं इतनी सुखी क्यों हो रही हूँ, मुझे इतना अच्छा पति क्यों मिला है कि मुझे इतनी अच्छी बॉडी क्यों मिली है, कि जो आम है इसका टेस्ट इतना अच्छा क्यों है, कोई नहीं बोलता कुछ नहीं। उस समय तो पागल हुए पड़े होते हैं, होश ही नहीं होता। होश कब आता है? जब कोई दुख आता है, तब आदमी एकदम से जागता है, अरे ये क्या हो गया, है ना। तो अब अल्टीमेटली क्या हो रहा है, इसको अगर ध्यान से आप देखोगे, ये हमारी बेसिक टेंडेंसी है ह्यूमन की। सपना कब टूटता है? आप सपने में हो, सपना चले जा रहा है, बड़ा मजा आ रहा है, क्या सपना है, चल रहा है, इटर्निटी में चल रहा है, सदियां निकल गई, 100 साल हो गए सपने में, 200 साल हो गए, चले जा रहा है, सब बढ़िया उड़ रहा हो, एकदम से भूत देख लिया, सपना टूट गया, जाग जाओगे। कभी भी नोट करना इस चीज को, सपने से आप तब जागते हो जब कुछ बुरा होता है आपके साथ, अच्छे में नहीं जागते। तो अब गड़बड़ क्या है यहां पर, देखो, जब हमारा टाइम अच्छा होता है तब हम बन जाते हैं भोगी, सुख भोगने में लग जाते हैं। टाइम अच्छा चल रहा है, खाओ पियो मस्त रहो, पार्टी करो, ये करो वो करो, अरे मजे मारो जिंदगी के, सब कुछ बढ़िया है ना। मतलब हम ऐसे फंटूश बन जाते हैं जैसे कि हमारे साथ तो कभी कोई प्रॉब्लम आ ही नहीं सकती, हमें ये विश्वास हो जाता है कि ये टाइम हमेशा के लिए रहने वाला है। तब हम इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं फालतू की चीज़ों में, उस सुख को भोगने में, मज़े मारने में, कि ये सब बातें जो मैं कर रहा हूँ इस तरफ हम सोचते ही नहीं हैं। अभी सोच रहे हो, यहाँ पे बैठे हो, बाहर निकल करके सोचने की क्या ज़रूरत है अगर लाइफ बढ़िया चल रही है तो? सिंपल कॉमन सेंस। और अगर लाइफ बुरी है तो क्या उसको मेरी बातें समझ आएंगी? तो जो सुख में है वो समझना नहीं चाहता इन सब बातों को, इसके बारे में सोचना नहीं चाहता, क्या जरूरत है सोचने की, भगवान के पास में जाओ, मंदिर में बैठो, हाथ जोड़ करके बैठे रहो, हाँ भगवान सब अच्छा कर दो, सब ठीक कर दो, बस ये टाइम ऐसे ही चलता रहे, आपकी बहुत कृपा है मुझ पर, मेरी सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाएं, यही करते हैं ना। और जब दुख होता है तो सुख में हम समझना नहीं चाहते, दुख में हम समझ नहीं सकते। तो समझोगे कब? अगर आपकी बॉडी में अभी अनबियरेबल पेन हो रहा हो, आपको मेरी बातें समझ आएंगी क्या? आ ही नहीं सकती। आपके घर में अभी कुछ दिन पहले किसी की डेथ हुई हो, मेरी बातें समझ आएंगी क्या? आ ही नहीं सकती। बार बार याद आ रही होगी उस इंसान की, पापा की, मम्मी की, भाई की, बहन की, व्हाटएवर, तो सारा ध्यान वहां पर है। फिर जैसे ही वो याद चली जाएगी, वो दुख चला जाएगा, तो क्या होगा? सुख आ जाएगा। अब मजे मारो। हाँ, तो दोनों ही ट्रैप है, इसको देख पाना इज इंटेलिजेंस, कि पेन और प्लेजर में कोई फर्क नहीं है, दोनों एक दूसरे का पीछा करते रहते हैं। ये बिल्कुल ऐसा है जैसे कुत्ता अपनी पूंछ के पीछे भाग रहा है, गोल 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 घूमे जा रहा है, खुश हो रहा है, पकड़ नहीं सकता उस पूंछ को कभी भी, सुख को पकड़ नहीं सकता जब तक समझेगा नहीं खेल को। तो समझना कब है? सुख में। आई बात पकड़ में? लोग क्या बोलते हैं, स्पिरिचुअलिटी में जाओ 60 साल की उम्र में, ये कोई उम्र है? अभी तो मजे मारो। मजे मारो मतलब क्या? शादी करो, हनीमून पे जाओ, बच्चे पैदा करो, यही मजे मारो। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मजा। खाओ जानवरों की तरह, खाए जाओ, इसको मजा बोलते हैं? ये मजा है, यही मजा सजा बनती है। आपने तो ऐसे नहीं की जिंदगी में, अगर आपने एक काम नहीं, हाँ, अरे जो अगर आप पी नहीं रहे तो आप जी क्यों रहे हो, है ना, कि अगर तो दारू नहीं पीता, सिगरेट नहीं पीता, उल्टे सीधे शौक नहीं है तो जी क्यों रहा है? देखो क्या सोच बन गई है, क्या हो गया है? कि जब वक्त है समझने का, अपनी इंटेलिजेंस को बढ़ाने का, इंटेलिजेंस को बोलते हैं हिंदी में विवेक, माइंड को शार्प करने का, तब तो उस माइंड को हमने लगा दिया प्लेजर्स में, जिससे माइंड डल हो गया। प्लेजर्स में क्या होता है? माइंड डल हो जाता है। कभी नोट किया है? एक बड़ी इंटरेस्टिंग मेडिटेशन बताऊं, कभी जो पीक ऑफ डिजायर है या पीक ऑफ फियर है, उस वक्त में अपनी हालत को नोट करना कि आपकी हालत क्या होती है, आपका ध्यान आपके वश में होता है या नहीं होता है। ऐसे ओवर पावर कर लेता है वो आपको, होश ही नहीं होता आदमी का। और हमेशा गलती करते हैं, करेगा ही करेगा गलती, और क्या करेगा? आगे बढ़ते, अरे समझदारी, मेरी जो बातें हैं समझ आ रही है? मैं कुछ गलत तो नहीं कह रहा?
इस पूरी मूवमेंट को देख पाना ही इंटेलिजेंस है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। एक इंटेलिजेंस है बाहर की दुनिया की, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। एक साइंस है बाहर की दुनिया की, ये भी साइंस है अंदर की दुनिया की। दोनों में फ़र्क क्या है? वहाँ हम अपने दिमाग को लगा रहे हैं, अपनी इंटेलिजेंस को लगा रहे हैं किसी चीज़ को समझने के लिए कि पेपर क्या है, इस पे जो है ये किस चीज़ का लिखा हुआ है, इंक का लिखा हुआ है, है ना, किस तरह से दिखता है, अच्छा इस पे लाइट पड़ती है तो ये ब्लू दिखता है, ब्लू ब्लू क्यों दिखता है, वाइट वाइट क्यों दिखता है, ये सब साइंस के दायरे में आ गया। एक है हमारे अंदर की साइंस, मुझे सुख क्यों होता है, मुझे दुख क्यों होता है, क्या ऐसा हो सकता है कि मैं सुख को तो पकड़ लूँ और दुख को छोड़ दूँ? तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं ये आपको अंदर ले जाते हैं। अंदर मतलब वो वाला अंदर नहीं जो लोग समझते हैं मेडिटेशन में कि आंख बंद करी और अंदर जा करके लाइट दिखी, ये हुआ वो हुआ, अजीब अजीब तरह के धमाके हो रहे हैं अंदर, वो सब नहीं, दैट इज नॉट रियल मेडिटेशन। वो फिर इल्यूजन्स में आप चले गए। जो भी चीज़ आई और गई, वो चाहे कैसा भी एक्सपीरियंस हो, कोई भी मेडिटेशन में आप गए, कोई एक्सपीरियंस हुआ चला गया, जो आया जिसकी वजह से आप खुश हो रहे हो, जब वो चला जाएगा उसी की वजह से आप दुखी हो जाओगे, देख रहे हो? तो आपका सुख ही आपके दुख का कारण है। आपको लाइट दिख गई उसकी वजह से आप बड़े खुश हो गए, आपका मकसद था मेडिटेशन में आंख बंद करी, किसी ने आ करके आपको बोल दिया कि मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पर लाइट देखनी है, आप देखने लग गए, लगे रहे 6 महीने बाद आपको लाइट देखनी शुरू हो गई, यहाँ पर एक लाइट दिख गई, अब क्या होगा, आप खुश हो जाओगे। ऑब्वियसली देयर इज नथिंग एल्स, है ना, तो दैट इज जस्ट अ प्रोजेक्शन ऑफ द माइंड, है ना। सो आपको दिख गई, आप खुश हो गए, अब आपको 3 दिन बाद दिखनी बंद हो गई, अब क्या होगा, वो लाइट जो 3 दिन के लिए आपके सुख का कारण बनी, वो जिंदगी भर के लिए आपके दुख का कारण बन जाएगी। सिंपल, इस बात को समझ लेना इंटेलिजेंस है। जहां हमको ये समझ आ गया तो हम टेम्परेरी चीजों के साथ ऑटोमेटिकली अटैच नहीं होंगे। इसमें कहीं भी कोई बहुत स्पिरिचुअल या कोई मिस्टिकल बात नहीं है, कॉमन सेंस है। स्पिरिचुअलिटी इज कॉमन सेंस, कुछ दिख रहा है उसको एज इट इज देखना। जैसे कि हम कुछ भी चीज सीखने रहती है तो हम किसी प्रोफेशनल के पास जाते हैं या फिर उस पर्सन के पास जाते हैं जिसको उस चीज का ज्यादा नॉलेज है। अब जैसे लास्ट टाइम आपने मिरेकल्स वाले सेमिनार में बोला कि मेरे बहुत सारे सेक्शन ऐसे थे जिस पे यकीन मत करो और यूट्यूब से हटा दिए गए, तो हमको जनरली उस व्यक्ति के पास से इंस्पिरेशन मिलती है, तो हम फिर किस बात पे यकीन करें और इस बेस पे? सिर्फ रियलिटी पे यकीन करो, जो भी कुछ मैं कह रहा हूँ या कोई भी कह रहा है आपके एक्सपीरियंस से रिलेट हो रहा है, जो आपकी रियलिटी है उससे रिलेट हो रहा है कि आज जिस भी सिचुएशन में आप हो, जो भी मैंने कहा, हजारों बातें कह दी, उसमें से क्या बातें आज आप अपनी सिचुएशन में अप्लाई कर सकते हो सेंसिबली, जो आपकी बुद्धि को भी समझ आ रही है। आपकी बुद्धि को समझ नहीं आ रही है, मैंने बोल दी, आपने उसको कुछ और ही मतलब निकाल लिया और करने लग गए, फंस जाओगे। आँख बंद करके किसी पे भी विश्वास मत करो, और इस बात को भी समझो कि हर लेवल के अकॉर्डिंग आदमी अलग अलग बातें करता है। जब मेरी रियलाइजेशन एक हद तक थी तब मैंने उस लेवल की बातें करी, और गहरी हुई तो अब मैं उस लेवल की बातें कर रहा हूँ, और हो सकता है कुछ टाइम बाद और गहरी हो जाएगी, तो ये बातें हट जाएंगी और बातें आ जाएंगी। तो आपको देखना है इसमें से आपको कौन सी बातें कहाँ पर समझ आ रही हैं, कहाँ पकड़ में आ रही हैं। एनी हाउ आगे बढ़ते हैं, हम अपने आप को डिटैच कैसे करें व्हेन यू लव समवन वेरी मच। व्हाट इज डिटैचमेंट, इसको समझो, क्या मुझे इस कुर्सी से डिटैच होने की जरूरत है? मैं इससे डिटैच्ड ही हूं। लोग डिटैचमेंट का मतलब क्या निकालते हैं कि मैं इस कुर्सी से दूर रहूं, इसका मतलब डिटैचमेंट है। अरे ना, समझ गए, जो भी आपके रिलेशनशिप्स हैं उनके पास रहो, उनको प्यार करो, उनको टच करो, कुछ भी करो, कोई फर्क नहीं पड़ता, दैट इज नॉट अटैचमेंट। मेरे इसको टच करने से क्या मैं इससे अटैच हो गया? बट माइंड के लेवल पे मैंने कहा कि मैं ये मेरी है कुर्सी, ये मेरी है, अब मैं इसके साथ बंध गया। सिंपल है, उस पर कब्जा नहीं करना, उसको प्यार करना है। आगे बढ़ते हैं, अब मैं इन दोनों में से कौन सी मेडिटेशन प्रैक्टिस करूं? एक है ब्रह्म कुमारी ने कहा, एक है मैंने कहा साउंड मेडिटेशन, कौन सी करूं? इसके लिए आपको समझना होगा कि मेडिटेशन है क्या। व्हाट इज मेडिटेशन? साउंड मेडिटेशन इज अ पार्ट ऑफ मेडिटेशन, बट इट इज नॉट दी ओनली मेडिटेशन। वॉट इज मेडिटेशन? आज मैं क्या करने वाला हूँ, मैं आज आपको फॉर्मूला बताने वाला हूँ। एक है मैंने आपको एक इक्वेशन दे दी कि 4+4=8, अब यही करते रहो, अब आप बार बार लिखे जा रहे हो 4+4=8। अरे किसी ने कहा 6+2=8, अब ये सही है या ये सही है, उलझे हुए हो।
आज मैं क्या करने वाला हूँ, आपके फंडे क्लियर करने वाला हूँ कि 8 बनता कैसे है। जैसे मर्जी बना लो, 1+7 करो, 2+6 करो, 5+3 करो, 4+4 करो, अरे मर्जी आपकी 8+0 कर दो, जो मर्जी करो, 8 तो 8 ही रहने वाला है। तो आपको हजारों तरीके समझ आ जाएंगे कि मेडिटेशन किन हजारों तरीकों से आप कर सकते हो। आगे बढ़ते हैं, अब दूसरा वही है, ट्रू मीनिंग एंड अल्टीमेट पर्पस ऑफ लाइफ और इस सबकी रियलिटी क्या है। अब ये आप आपस में सर्कुलेट कर लीजिए। हाँ, अरे बिल्कुल भी नहीं है, पर जहाँ भी जाओ अगर डेली 1 घंटा जरूर करना चाहिए, सुबह शाम करो तो और भी अच्छी बात। तो टाइमिंग का भी बड़ा बोल रहे हैं, और कह रहे हैं एक ही टाइम पे करो तो वो भी बहुत अच्छा। देखो कोई बेवड़ा है उसके पास आप जाओगे तो डेली पीता है और 20 साल से पीता आ रहा है, हाँ तो क्या कहेगा आपको, क्या कहेगा कि आपको कभी कभी पीना चाहिए या डेली पीना चाहिए? डेली पी यार, अरे मजा है जिंदगी, यही है, सब नशा है, हर एक्सपीरियंस एक नशा है। मेडिटेशन एक तरह का नशा है, अरे सबसे खतरनाक नशा है, द मोस्ट डेंजरस ऑफ इंटॉक्सिकेंट्स, इससे खतरनाक नशा और क्या होगा। टाइमिंग और स्पेस की भी बड़ी बात करते हैं कि जैसे रात को नहीं करना चाहिए, या जिस बेड पे बैठे हैं सारा दिन खा भी रहे हैं सो रहे हैं उस बेड पे बैठ के मेडिटेट नहीं करना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पर आप मेडिटेशन ना कर सको, आप बोलो, दुनिया में ऐसा कोई टाइम नहीं है जब आप मेडिटेशन ना कर सको। आई डोंट लाइक डूइंग योगा एंड ऑल दैट, हां तो मत करो। आई लाइक डूइंग मेडिटेशन, आई गो फॉर वॉक एंड काइंड ऑफ थिंग। हां देयर इज एनी प्रॉब्लम लाइक और डिसलाइक से भी आगे बढ़ जाओ। एक है कि मैं ये डिसलाइक करती हूँ मेडिटेशन, फिर भी करती हूँ क्योंकि आप कहते हो कि ये करना ठीक है, बड़ा गंदा ट्रैप है, टॉर्चर होगा आपका। दूसरा है मैं ये मेडिटेशन करती हूँ क्योंकि मैं इसको लाइक करती हूँ, ये भी अपने आप एक बहुत बड़ा ट्रैप है। मेडिटेशन मज़े के लिए नहीं है, मज़े के लिए ही अगर करना है तो मेडिटेशन क्यों करना है भैया, सो जाओ, बड़ा मज़ा आता है मेडिटेशन में। सबसे ज़्यादा मज़ा पता है लोगों को किस चीज़ में आता है, जब भी मैंने सुना है कि बीच में एक ऐसी स्टेट आती है मैं ध्यान में होता हूं लेकिन मुझे ध्यान नहीं होता, अबे तो होता क्या है सोए हुए आदमी, क्या होता है पूछो अपने आप से, यही तो होता है जब आप सोए हुए होते हो तब बड़ा मजा आता है। ऐसे ही जब आप रात को सोते हो और सुबह उठते हो तो बड़ा मजा आता है, फ्रेश हो जाते हो, है ना। जब शराब पी हुई होती है और कोई ध्यान नहीं होता, मस्त होते हो, गुम सांड की तरह कहीं पड़े हुए होते हो सड़क के साइड में, हाँ तो बड़ा मज़ा आता है। नशा टूटता है तो बड़ा दुख होता है, ऐसे ही मेडिटेशन में जब वो नशा वो स्टेट टूटती है तब बड़ा दुख होता है, अरे यार ये मैं कहाँ से आ गया। तो थॉट को मारना इज नॉट मेडिटेशन, वॉचिंग द मूवमेंट ऑफ योर थॉट इज मेडिटेशन। आगे बढ़े, इसको अगर ध्यान से देखोगे तो मैंने क्या किया है, बाकी सब जगह पे टिक लगा दिया है, मेडिटेशन पे काटा लगा दिया है, इसका मतलब ये नहीं है कि मेडिटेशन नहीं करना है। मेडिटेशन एक टूल है टू क्रिएट द ग्राउंड फॉर डीपर अंडरस्टैंडिंग, जिससे कि हम लाइफ को समझ सके, खुद को समझ सके, इस दुनिया को समझ सके, इस दुनिया से हमारा जो रिलेशन है उसको समझ सके। इस समझ को बढ़ाने के लिए क्या चाहिए, पीस ऑफ माइंड चाहिए ना, ध्यान एक जगह पर टिके तो सही, तभी तो समझ सकते हो, ध्यान टिकेगा ही नहीं तो कैसे समझोगे, ध्यान बार बार इधर उधर भाग रहा है। तो मेडिटेशन इज नॉट द एंड गोल, द एंड गोल इज अपनी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाना। हम रियलिटी से भागने का एक जरिया समझते हैं मेडिटेशन को, क्लियर हो रहा है। विपासना गए, एक बार गए, अपने आप को ट्रेन करके आ गए, सीख लिया, अब दिमाग लगाओ कि उस विपासना को अपनी जिंदगी के हर एस्पेक्ट में हम कैसे उतार सकते हैं, हर एस्पेक्ट में अपनी लाइफ को बेटर कैसे कर सकते हैं। अगर आज हमको पैसे की जरूरत है तो पैसा कैसे कमा सकते हैं, विपासना के थ्रू। रिलेशनशिप्स को बेटर करना है तो विपासना के थ्रू अपनी रिलेशनशिप्स को बेटर कैसे किया जा सकता है, अपनी खुशी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अपनी पॉजिटिविटी को कैसे बढ़ाया जा सकता है, अपने ध्यान को अपने वश में कैसे किया जा सकता है।
अपने सेंसेस को कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। रियलिटी को देखना है, उसका नाम मेडिटेशन है। जो है उसको जानने का नाम मेडिटेशन है, और जो नहीं है, है और नहीं है, उस दोनों के बीच के फर्क को समझने का नाम मेडिटेशन है। मैं हूं तभी तो मैं आपको देख पा रहा हूं, ये जानना मेडिटेशन है। एक सिक्के के दो पहलू हैं, मैं क्या हूं और क्या नहीं हूं। इन दोनों पहलुओं को बारीकी से जानना और समझना ही मेडिटेशन का गोल है। मतलब मेडिटेशन क्या हुआ, एक टूल हुआ। टूल किस चीज का, अपनी समझ को बढ़ाने का। इट इज नॉट अ टूल फॉर प्लेजर, आई विल रिपीट इट, मेडिटेशन इज नॉट अ टूल फॉर प्लेजर। आई अगेन रिपीट इट, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मेडिटेशन इज नॉट अ टूल टू गेट सम काइंड ऑफ प्लेजर या एंजॉयमेंट। बैठे हुए हैं, एक घंटा बैठे हुए हैं, दो घंटा बैठे हुए हैं, क्या मजा आ रहा है। ऐसे अगर 20 साल तक भी करते रहे तो क्या होगा, लगाओ दिमाग। अब बात करते हैं मेडिटेशन क्या है और किस किस जगह पे आप कर सकते हो, मतलब कि इसका फॉर्मूला, इसके फंडामेंटल्स। मेडिटेशन करने के दो तरीके हैं, एक है एक्टिव, एक है पैसिव। एक्टिव मतलब जब आप कुछ कर रहे हो तो आप ध्यान से कर रहे हो, मतलब कि आपका ध्यान उस काम में है जो काम आप कर रहे हो। आप कर वो रहे हो लेकिन सोच कुछ और रहे हो तो आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो, तो आप सपने की दुनिया में हो। सिंपल हो रहा है, तो आप इल्यूजन्स में हो। बट जो आप कर रहे हो उसको अपने पूरे ध्यान के साथ कर रहे हो, पूरे प्यार से कर रहे हो, लगन से कर रहे हो, अपनी ईमानदारी से कर रहे हो, इन्वॉल्व हो करके कर रहे हो, अपनी सारी स्ट्रेंथ्स को यूज कर रहे हो उस काम को करने के लिए, पूरे ध्यान से कर रहे हो, तो वो क्या है, मेडिटेशन है। अब बताओ ऐसा कौन सा काम है जो मेडिटेशन नहीं है। किसी भी काम को ध्यान से करो, दैट इज मेडिटेशन। और ध्यान से ना करो, ध्यान को कहीं और रखो, तो दैट इज नॉट मेडिटेशन। कर कुछ और रहे हैं, सोच कुछ और रहे हैं, तो ना हमारी पावर यहां है ना वहां है। या तो अपने ध्यान को मोड़ दो सोच की तरफ, सोचने के वक्त सोचना है, सोच आप पास्ट के बारे में रहे हो लेकिन सोच प्रेजेंट में रहे हो, दैट इज मेडिटेशन। सोचना है तो लग करके सोचना है, गुस्सा करना है तो ध्यान से करना है। आप ध्यान से गुस्सा नहीं करते इसलिए गुस्सा आता है, ध्यान से गुस्सा करो आएगा ही नहीं, गायब। करो कोशिश, ध्यान से किसी से नफरत करो, नहीं कर सकते, अनजाने में कर सकते हो, खाना बना रहे हो साथ साथ में ध्यान से करो, खाने को छोड़ो, बैठ जाओ, अब मैं करूंगी उससे नफरत, उसने मेरे साथ में ये किया। लेकिन आपका ध्यान है, उस ध्यान के वहां जाने से ही आपको पूरी कहानी समझ आ जाएगी और आप उस पूरी सिचुएशन से बाहर निकल के आ जाओ। ध्यान से आग में हाथ डालो कभी नहीं जाएगा, गलती से जा सकता है, ध्यान से नहीं जा सकता। ध्यान इज इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं, पैसिव मेडिटेशन। पैसिव मेडिटेशन क्या है, ध्यान से जो है उसको देखना, पैसिव मेडिटेशन। कुछ कर नहीं रहे आपको देखने के लिए, मुझे कुछ करने की जरूरत है। एक है करना, ये हाथ हिलाया, ये क्या हुआ, करना है ना। सोचा, ये क्या हुआ, करना। एक है मैं बैठा हूं, आवाज आ रही है, क्या मैं आवाज कर रहा हूं, आवाज तो अपने आप आ रही है ना, आवाज को सुन रहा हूं, ये क्या है, पैसिव मेडिटेशन। एक है मैंने आंख बंद करी और अपने यहां पे लाइट को देखने की कोशिश कर रहा हूं, दिख नहीं रही है, देख अंधेरा रहा है, लेकिन मैं देखने की कोशिश क्या कर रहा हूं, लाइट। यही तो हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम्स की जड़ है, है कुछ और देखना कुछ और चाहते हैं। तो जो है वो किसी को नहीं चाहिए, जो नहीं है उसके पीछे भागे जा रहे हैं। हरा समझ में, प्रॉब्लम क्या है, करना मतलब क्या, कुछ भी करना, किसी भी तरह की कोई भी मूवमेंट, दैट इज करना।
और जानना मतलब क्या, जो भी है उसको जानना, कितनी आसान है मेडिटेशन। तो मेडिटेशन क्या है, आपने आंख बंद करी, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है भैया, अंधेरा दिख रहा है, जानते हो कि अंधेरा दिख रहा है, दैट इज मेडिटेशन। सांस चल रही है, सांस को चला नहीं रहे हो, चलाओगे तो क्या होगा, प्राणायाम, वो अगेन करने में आ गया, दैट इज डूइंग, यू आर डूइंग समथिंग विद योर ब्रेथ। बट एक है जानना, सांस चल रही है, आप जान रहे हो, ये क्या है, मेडिटेशन। साउंड आ रही है, आंख बंद करी, साउंड मेडिटेशन, साउंड आ रही है, कौन सी आ रही है, ब्रेथ की आ रही है, जब कानों में वो लगा लिया, ब्रेथ की साउंड आ रही है, तो ब्रेथ की आवाज को आप सुन रहे हो, आप जान रहे हो, जो हो रहा है उसको जानना इज मेडिटेशन। लेकिन आप ध्यान में बैठे हो, आंख बंद करके, कानों में वो लगा करके, और आप तड़प रहे हो अंदर ही अंदर, यार वो वाली साउंड क्यों नहीं आ रही, वो झिंगुर की आवाज क्यों नहीं आ रही, वो झिंगुर की आवाज बोली थी, वो कहाँ है, वो क्या है, वो क्या है, समझ आ रहा है, आ गई, जान लिया, आ गई, चली गई, जान लिया, चली गई, कोई और आवाज आ गई, जान लिया, आ गई, ध्यान आवाजों से हट गया, थॉट्स में चला गया, जान लिया, ध्यान थॉट में है। लेकिन क्योंकि आपकी आंखें बंद हैं और आप ऐसे बैठे हो, इसका मतलब क्या है, यह है पैसिव मेडिटेशन। अब आप उस वक्त में बैठ करके सोच नहीं रहे हो, समझ गए, सिर्फ जान रहे हो, थॉट आ गया, वापस आ गए, फिर क्या हुआ, कोई सेंसेशन हुई बॉडी के अंदर, ध्यान वहां चला गया, जान लिया, तो रॉकेट साइंस नहीं है, आपको टच किया, जान लिया, आपको पता लग गया, दैट इज मेडिटेशन। आपको कोई टच कर रहा है, आपको पता ही नहीं है, वो क्या है, आप हो करके भी नहीं हो, सपनों की दुनिया में हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, चले, होश ही नहीं है, होश इज मेडिटेशन। होश में रह करके चाहे काम करना, होश में रह करके देखना, होश में रह करके सुनना, होश में रह करके सूंघना, होश में रह करके टेस्ट करना, होश में रह करके टच करना, होश में रह करके किसी को हक करना, होश में रह करके किसी को प्यार करना, सब क्या है, मेडिटेशन है। बेहोश रहना क्या है, बेहोशी। तो ये कह सकते हैं सर कि अवेयरनेस इज अ मेडिटेशन। एब्सोल्युटली। एंड देन अवेकनिंग का मतलब क्या है, अवेकनिंग मतलब जो पूरी तरह से जाग गया है, जो सिर्फ यहां नहीं जागा हुआ, जो हर स्तर पे जाग गया है, अपने थॉट्स के स्तर पे, फीलिंग्स के स्तर पे, यहां पर जो हो रहा है उसके स्तर पे, ध्यान की पूरी जो मूवमेंट है उसके स्तर पे। ध्यान करना नहीं है, ध्यान देना है। हमको लगता है ध्यान को भी करना पड़ता है। आंख बंद करके बैठे हुए हो, बीवी पीछे से आवाज लगा रही है, अरे भाई क्या कर रहा है, बच्चों के स्कूल की फीस के पैसे नहीं है, अरे मैं मेडिटेशन में हूँ, मैं सच्चिदानंद हूँ, अरे मैं तो पानी हूँ, मुझे क्या जरूरत है लहरों के चक्रों में पड़ने की, मरने दो बच्चों को, निकल जाने दो स्कूल से, सब ढह जाने दो, क्या ये, अरे बेवकूफी है। मजा इज नॉट द गोल ऑफ मेडिटेशन। अगर यहां तक आपको समझ आ गया तो अब आपको यह समझना है कि फिर मेडिटेशन का मकसद क्या है। मेडिटेशन का मकसद बड़ा सिंपल है। एक्टिव मेडिटेशन का मतलब क्या है, देखो इसको बारीकी से तोड़ेंगे। एक्टिव मेडिटेशन का मतलब क्या है, उसका यूज क्या है, उससे आपकी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। कितना आसान है। आपको पैसा चाहिए, ये प्रॉब्लम है, भागो मत इस प्रॉब्लम से। पैसा चाहिए अपनी फैमिली के लिए, ये प्रॉब्लम कब सॉल्व होगी, जब ध्यान से अपने काम को करोगे। स्टूडेंट हो तो कब सॉल्व होगी, जब ध्यान से पढ़ोगे। तो एक्टिव मेडिटेशन का रोल किस जगह पर है, अपनी लाइफ को पीसफुल बनाने के लिए, अपनी जिंदगी की जरूरतें पूरी करने के लिए मेडिटेशन को यूज करो। कौन सी मेडिटेशन को, एक्टिव मेडिटेशन को, एक्शन, कर्म करो, खुल के करो, पूरी एनर्जी के साथ करो, पूरी पावर के साथ करो। अब सवाल उठता है, जब एक्टिव मेडिटेशन से ही हमारी लाइफ की सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं, तो पैसिव मेडिटेशन का क्या काम है। पैसिव मेडिटेशन का रोल यह है कि एक्टिवली जब आप ध्यान से किसी भी काम को करते हो तो आप थक जाते हो, पढ़ पढ़ के आप थक गए, 5 घंटे तक पढ़ाई कर रहे हो,
सोच सोच करके आप थक गए, सोचे जा रहे हो कोई कुछ पुरानी बातों के बारे में, कचरे के बारे में। आपने क्या किया, थोड़ी देर के लिए आ करके अपने हथियार डाल दिए, आराम से बैठ गए और सिर्फ जान रहे हो। क्या हुआ, एनर्जाइज हो गए। और जो चल रहा है, सोचना नहीं, अब ध्यान से पकड़ना, सोचना नहीं, लेकिन जो सोच चल रही है, आपके सोचने या ना सोचने से सोच पे फर्क नहीं पड़ता, थॉट्स पे फर्क नहीं पड़ता। आप आंख बंद ही कर लोगे तो थॉट्स आते रहेंगे। एक थॉट आया, एमबीए करूं कि नहीं। आपने जान लिया एमबीए करूं कि नहीं, उसको जान करके अपना ध्यान ब्रेथ पे ले आए, ब्रेथ की साउंड पे ले आए, जो है उस पे ले आए। मतलब आपने क्या किया, थॉट को रोका नहीं, कंट्रोल नहीं किया, थॉट चलता रहेगा। थॉट को गायब करना मेडिटेशन का असली गोल नहीं है भैया। आप उस थॉट को बढ़ाने के लिए कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं दे रहे हैं, आपने उसको अपने आप से अलग कर दिया। ध्यान करो दोनों तरह के, एक्टिव भी और पैसिव भी। पैसिव इसलिए जिससे कि एक्टिव हो पाओ, और एक्टिव इसलिए ताकि आप एक्टिव हो करके अपना ध्यान इन तीनों चीजों की तरफ लगा पाओ। कौन सी तीन चीजें, हेल्थ, वेल्थ एंड हैप्पीनेस। एब्सोल्युटली क्लियर, आपके पास में ना हेल्थ है ना वेल्थ है। खुशी भी है वो खोखली है, कुछ दिन की है, कुछ देर की है, जो डिपेंडेंट है किसी ना किसी कॉज के ऊपर। तो ऐसा आदमी आगे अगले स्टेप पे कहां जाएगा, कहां वो सेल्फ इंक्वायरी के चक्रों में पड़ेगा। भैया कहां आपके पास फुर्सत है ये सोचने की कि मैं हूं कौन। ये सवाल इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है ना। तो पहले जो काम अर्जेंट है उसको खत्म करो, ताकि आपका ध्यान उस तरफ जा पाए जो इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेट गोल क्या है, देखो सबसे ऊपर है ये जानना कि आप ही वो हो, तत्वमसी, मतलब यू आर दैट। ये अल्टीमेट गोल है, ये मिल गया आपको आपकी जिंदगी का मकसद, पर्पस। वजह मिल गई हेल्थ को अचीव करने की, अपनी हेल्थ के ऊपर काम करने की। क्योंकि जब तक आपकी बॉडी परफेक्ट नहीं होगी, माइंड परफेक्ट कैसे काम करेगा। बॉडी आलसी, माइंड आलसी, सिंपल। वजह मिल गई पैसा कमाने की, क्योंकि पैसे से आपकी बेसिक जरूरतें पूरी होंगी फैमिली की। इसलिए नहीं कि उस पैसे से मजा मारना है, इसलिए कि अपनी फैमिली को सेट किया जिससे फैमिली आपको तंग ना करे। सिंपल है, हर चीज की जरूरत को समझते चले जाओ। जब ये सब चीजें आपको मिल जाएंगी, अब मैं आपको बताता हूं ट्रैप कहां पर आएगा। अभी आप इमेजिन कर रहे हो, सोचो आप यू आर इन द बेस्ट ऑफ योर हेल्थ, आपकी हेल्थ परफेक्ट हो गई ध्यान की वजह से, आपके पास पैसा भी आ गया, आपके पास खुशियां भी आ गई। अब आप क्या करोगे, इसी से बंद जाओगे, उस वक्त मेरी ये सारी बातें भूल जाओगे। आप कहोगे यार हो गया सब, बेकार है ये सारी बातें, कुछ नहीं है। फिर जैसी कोई प्रॉब्लम आएगी, फिर एक आ करके बैठ जाओगे, ये क्या हो गया। ऐसे ही होता है, इसके आगे कौन सी अटैचमेंट है पकड़ो। ये अटैचमेंट है, इसके आगे जहां मैंने कांटा लगाया है उससे बड़ी अटैचमेंट कुछ नहीं है। मतलब कि मेडिटेशन, जब आपको तीनों चीजें मिल जाएंगी तो आप क्या करोगे, मेडिटेशन से ही अटैच हो जाओगे। मतलब क्या, मजा आ तो रहा है, बैठे रहो, आ बहुत अच्छा लग रहा है, क्या होगा उससे, उसको छोड़ना है। फिर कहां पर ध्यान देना है, कहां पर ध्यान देना है, अगर वहां से ध्यान हटाना है तो सबसे पहले सिर्फ कुछ चीजें हैं समझने वाली, उसके अंदर पूरी सेल्फ इंक्वायरी को फिट किया जा सकता है। पांच है आपके सेंसेस, सिंपल है। सेंसेस सबको पता है क्या होते हैं, देखना, सूंघना, अगर इसको सिंपल वे में बोला जाए, धरती, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन सबके कॉरस्पॉन्डिंग कुछ एलिमेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की कुछ क्वालिटीज हैं, उन क्वालिटीज को परसीव करने के लिए हमारे सेंसेस हैं। कान है, ये क्या करते हैं, एक तरह की वाइब्रेशन है, जब वो वाइब्रेशन कान से होती हुई हमारे अंदर तक पहुंचती है तो हमें लगता है कि वो आवाज़ है। वही वाइब्रेशन अगर आँख से होती हुई पहुंचती है
तो हम क्या बोलते हैं कि हमने कुछ देखा है। क्लियर हो रहा है? तो इन परसेप्शंस को, इन सेंसेस को बारीकी से ऑब्जर्व करना है। सबसे बड़ा मिथ क्या है हमारे अंदर? बॉडी। तो बॉडी से शुरुआत करो। बिना सेंसेस के ये बॉडी क्या है? आपकी बॉडी में से आंख निकाल दूं, कान निकाल दूं, नाक निकाल दूं, टंग निकाल दूं, सेंसेस निकाल दूं, क्या है बॉडी? पत्थर का टुकड़ा है। तो इसका मतलब इसको भी एनालाइज नहीं करना, इसको साइंटिफिकली कर सकते हो थोड़ा बहुत, क्यूरियोसिटी, आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सेंसेस को ऑब्जर्व करो। उसको ऑब्जर्व करने के लिए ये तीनों चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, बहुत एनर्जी चाहिए। यू नीड टू हैव अ लॉट ऑफ पेशेंस, यू नीड टू हैव डेडिकेशन, मतलब वहां पर एक क्यूरियोसिटी होनी चाहिए कि सेंसेस क्या है, किस तरह से मैं देखता हूं, किसको देखता हूं, क्यों देखता हूं, वो देखने से क्या होता है, ये पूरी की पूरी मूवमेंट क्या है। सिंपल हो रहा है? इसको हम समझते चले जाएंगे बारीकी से कि मैंने देखा किसी चीज को, ठीक है, कॉन्टैक्ट हुआ, या सुना किसी आवाज को, उसके साथ में कॉन्टैक्ट हुआ, जैसी आवाज को सुना उससे रिलेटेड एक नाम आ गया माइंड में कि ये अमित की आवाज है, और अमित जैसे ही ये वर्ड आया अमित की फॉर्म निकल करके माइंड में क्रिएट हो गई। उससे रिलेटेड एक कहानी पड़ी हुई है, उस कहानी के थ्रू हम अमित को देख रहे हैं। ना तो अमित सच है, ना वो कहानी सच है, जो दिख रहा है वो सच है। ये है अपने सेंसेस के ऊपर मास्टरी, इसको सेल्फ कंट्रोल भी कह सकते हैं। अपने सेंसेस के ऊपर कंट्रोल कौन कर सकता है? जिसका खुद का मन उसके वश में हो। ये हो गया सेंसेस का लेवल। फिर जब सेंसेस को भी बारीकी से समझ जाते हो, ये एंडलेस है। अगेन, ये कोई ऐसा पॉइंट नहीं है कि जहां पे जाकर क्या बोलो मेरे को सारे सेंसेस समझ आ गए, बिकॉज ये सब आपस में इंटरकनेक्टेड है। ऐसा नहीं है बॉडी सेंसेस से अलग है, सब कुछ कनेक्टेड है। क्लियर हो रहा है? फिर सेंसेस से ऊपर आप उठोगे फीलिंग्स एंड इमोशंस। अब सोचो ये कितनी बारीक इंक्वायरी है, मेरे इमोशंस क्या हैं, फीलिंग्स क्या हैं जो मुझे कंट्रोल करती है, मेरी इस बॉडी को नचाती है, मैं चाहता कुछ और हूं, मुझसे करवाती कुछ और है, मैं तो गुलाम हूं इन फीलिंग्स का, इन इमोशंस का। ना चाहते हुए भी मेरे से सारे गलत काम करवाती है, मुझे ले जा करके नीचे गिराती ही चली जा रही है। कौन? मेरी फीलिंग्स, मेरे इमोशंस। ये क्या है? इसको मन बोलते हैं। पहले क्या था? इंद्रियां, आपके सेंसेस, सेंसेस की मूवमेंट को ऑब्जर्व किया, फिर मन को देखा कि फीलिंग कब पैदा होती है, ये इमोशंस कैसे पैदा होते हैं। इमोशंस आर नथिंग बट एनर्जी इन मोशन। आप एनर्जी हो, यू गेट इनटू मोशन बिकॉज ऑफ अ फीलिंग। फीलिंग उठती है, इमोशन ऑटोमेटिकली उठ जाता है, उसके अकॉर्डिंग एक्शन ऑटोमेटिकली होने लग जाता है, सब कुछ अपने आप हो रहा है। रॉबर्ट की तरह हम कुछ कर ही नहीं पा रहे अपनी प्रोग्रामिंग के अकॉर्डिंग। अब सोचो इसको ऑब्जर्व करने के लिए कितना शांत मन चाहिए, कैसी बुद्धि चाहिए, कैसी इंटेलिजेंस चाहिए। वो इंटेलिजेंस कहां से आएगी? बहुत बड़ा पॉइंट। अपनी फीलिंग्स को और अपने इमोशंस को डिटैच होकर के देखने के लिए इंटेलिजेंस कहां से आएगी? ये जो आपने कर्म किए इस दुनिया में, दिस विल मेक यू इंटेलिजेंट। कोई आदमी अगर इंटेलिजेंटली अपनी बॉडी को फिट कर सकता है, तो वो इंटेलिजेंटली अपने बिजनेस को भी खड़ा कर सकता है। वो इंटेलिजेंटली अपनी रिलेशनशिप्स को भी हैंडल कर सकता है, वो इंटेलिजेंटली अपनी सोच को भी हैंडल कर सकता है, अपने नजरिए को भी हैंडल कर सकता है, वो सही और गलत का फैसला भी कर सकता है। सोचो, जो आदमी इंटेलिजेंटली अपनी हेल्थ तक को ढंग से हैंडल नहीं कर पा रहा, वो इंटेलिजेंटली अपनी फीलिंग्स को और इमोशंस को क्या देखेगा? ये आया अगला, दैट इज फीलिंग्स एंड इमोशंस। इसको देखना मतलब आंख खोल करके देखना नहीं, जानना। यू नो दैट यू आर फीलिंग गुड। अभी आप में से कुछ लोगों को नींद आ रही है, आई कैन मेक इट आउट बाई सीइंग योर फेसेस। ये जानना आई एम फीलिंग बोर्ड, ये क्या है? इंटेलिजेंस। ये बोलना कि मैं बोर हो रहा हूं, ये क्या है? बेवकूफी है। बोर्डम इज जस्ट अ फीलिंग,
विच इज टेम्प्ररी. अभी मैं कोई कॉमेडी करूँगा, कोई मज़ेदार बात करूँगा तो फीलिंग्स अच्छी उठने लग जाएंगी, मज़ा आने लग जाएगा. हाँ, देन ये जानना कि आई एम फीलिंग गुड बिकॉज ही सेइंग समथिंग जिसको सुन करके मुझे मज़ा आता है, तो इसका मतलब मेरा कंट्रोल मेरे हाथ में कहाँ है, इसके हाथ में है. मैं बकवास करने लग जाऊँ, कुछ भी ऐसी बातें करने लग जाऊँ जो मुझे पता है कि आप उसको सुन करके बोर होने वाले हो, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग बैड. और मैं ऐसी बातें करने लग जाऊँ जिसको सुन करके यू विल स्टार्ट फीलिंग गुड, तो आपका कंट्रोल आपके हाथ में कहाँ है भैया? मेरे हाथ में है, मैं जो चाहे आपसे करवा लूँ. यहाँ तक हो गया क्लियर? ये भी एंड नहीं है. दिस इज नॉट द एंड, दिस इज ऑल जस्ट अ बिगिनिंग. दिस इज बिगिनिंग एंड डू आउट ऑफ क्यूरियोसिटी, डोंट डू इट एज, जैसे होता नहीं कि कोई बोरिंग काम दे दिया है करने का. यार अपनी फीलिंग्स जो हमें कंट्रोल कर रही हैं, हमारे इमोशंस जो हमें कंट्रोल कर रहे हैं, उसकी मूवमेंट को जानना, इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग काम और क्या हो सकता है? इज दैट इंटरेस्टिंग? या गधे की तरह बैठ करके चरते रहना, हाँ, खाना खाते रहना, दैट इज इंटरेस्टिंग? या बेवकूफों की तरह पैसे के पीछे भागते रहना मरते दम तक, दैट इज इंटरेस्टिंग? वॉट इज इंटरेस्टिंग? सोचो. फॉर मी दिस इज इंटरेस्टिंग, दिस इज माई चॉइस. मेरे लिए इंटरेस्टिंग और कुछ नहीं है. अपने सेंसेस की एक एक मूवमेंट को समझना, जानना, अवेयर रहना, उसके साथ में नहीं जाना, जानना सेंसेस कहाँ जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं, उसकी जड़ को पकड़ा. अच्छा, ये डिज़ायर था जहाँ से ये थॉट उठा, इस थॉट की वजह से ये फीलिंग उठी, इस फीलिंग की वजह से इमोशन अंदर पैदा हो रहा है जो इस बॉडी को एक्ट करने के लिए बेबस कर रहा है. तो क्या मैं इस पूरी प्रोसेस को जान सकता हूँ बिना एक्ट किए? जब हमने ये सब कुछ बारीकी से जानना शुरू कर दिया, तब ऑटोमेटिकली एक सवाल उठेगा, ऑटोमेटिकली इस सब को जानने के बाद में, कि कौन है जो ये सब कुछ जान रहा है? कोई है जो मेरे थॉट्स को भी जानता है? जानना मतलब देखना नहीं, आपको पता है कि आप क्या सोच रहे हो, उसके लिए आपको कोई बहुत साल मेडिटेशन करने की जरूरत नहीं है. कोई है जो जानता है कि आई एम नॉट फीलिंग गुड? कोई है जो जानता है आई एम फीलिंग ग्रेट? कोई है जो जानता है कि यहाँ पे कुछ गर्म टच हुआ है? कोई है जो जानता है कि आपको गुस्सा आ रहा है? कौन जानता है? तो धीरे धीरे जैसे से आप जानते चले जाओगे, तो ऑटोमेटिकली दोनों में एक डिफरेंस क्रिएट होता चला जाएगा जो अभी नहीं है, जानने वाले में और जिसको जाना जा रहा है उसमें. हाँ, धीरे धीरे आपका और आपके माइंड के बीच में डिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा. यू विल बी एबल टू सी योर माइंड. सी नॉट इन द सेंस, अगेन डोंट मेक इट मिस्टिकल. ऐसा मत समझो कि मैं आंख बंद करता हूँ मुझे यहाँ पे कोई पिक्चर नजर आ जाती है. अरे नहीं, कोई पागल नहीं हूँ मैं. बिल्कुल वैसे ही सोचता हूँ जैसे आप सोचते हो, बिल्कुल वैसे ही. कोई फर्क नहीं है, रत्ती भर भी फर्क नहीं है. आप बताओ, आप में, मुझ में, बुद्ध में, इसमें, उसमें, कोई फर्क नहीं है. आप बताओ क्या करोगे? तो फर्क क्या है? आप कहीं और फंसे हुए हो, कोई और है जो कहीं और फंसा हुआ है, कोई और है जो कहीं और फंसा हुआ है, कोई है जो कहीं भी नहीं फंसा हुआ है. ट्रैप क्या आएगा बीच बीच में? नॉलेज एक ट्रैप है. नॉलेज मतलब क्या? आपने हज़ार जगह से बहुत सारी चीज़ें पढ़ ली, मेरी बातें सुन ली, ये ट्रैप बन जाएगा. आप इसके आगे बढ़ ही नहीं पाओगे, आप इसी को पकड़ के बैठे रहोगे. हाँ, उन्होंने ये कहा है तो इसका मतलब ये ही होगा. अरे मैंने क्या कहा है? अपनी फीलिंग्स को ऑब्जर्व करो, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो, अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करो. इसमें पकड़ने वाली बात क्या है? कुछ भी नहीं है. ऑब्जर्वेशन का काम करना किसको है? आपको करना है. किसके लिए करना है? अपने लिए करना है, ताकि आप आज़ाद हो सको. तो इसमें आप बातों से चिपक जाओगे, तो आपको ये अटैचमेंट्स नज़र आने लग जाएंगे कि कैसे मैं अपने बिलीफ से चिपका हुआ हूँ या चिपकी हुई हूँ. वो अटैचमेंट ढीली पड़ने लग जाएंगे. ठीक है, फिर धीरे धीरे जो ये सब कुछ जान रहा है, आप अपना सारा ध्यान उसकी तरफ मोड़ दोगे. कौन है? कौन है? दो थॉट्स के बीच में गैप आता है, उस वक्त कौन होता है? कभी सोचा है? कभी कभी आप कुछ सोच रहे होते हो, कभी नहीं सोच रहे होते. तो ये जो दो थॉट्स के बीच में जब गैप होता है, उस वक्त क्या होता है? कौन होता है? क्या आप कुछ नहीं बन गए होते हो? हाँ, या उस वक्त भी कुछ होता है?
क्योंकि वो जो उस वक्त होता है वो ही इन दो थॉट्स को जोड़ रहा है आपस में। ये एक पल है, ये एक पल है, ये गया, ये एक और पल है, आया। इन दो पलों को आपस में कौन जोड़ रहा है? जो इन दोनों को आपस में जोड़ रहा है वो ही उस वक्त भी होना चाहिए जिस वक्त ये पल था और जिस वक्त ये पल है। दैट इज कॉल्ड समथिंग विच इज बियॉन्ड टाइम, बियॉन्ड स्पेस, दैट इज ऑलवेज देयर, दैट इज ऑलवेज देयर, दैट कैन ओनली बी नोन इन द वेकिंग स्टेट, होश में। होश आया, जान लिया। अब जानने के बाद आप उसके साथ में क्या करते हो वो आपकी इंटेलिजेंस है। थैंक यू सो मच।